सब्सक्राइब कीजिए गृह सुनाली यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सभी लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गृह सुनाली। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम के लिए बनाना हेयर मास्क। केला एक ऐसा फल है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को सभी को पसंद होता है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। ज़्यादातर लोगों ने केले के खाने के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने केले को अपने बालों में नहीं लगाया होगा। जी हाँ, केले को पीस कर बालों में लगाने से बालों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं दूर होगी और इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके बालों की ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करते हैं। मैं यहाँ आपके लिए चार तरह के हेयर मास्क लेकर आई हूँ। सबसे पहला हेयर मास्क है डैंड्रफ और बालों को झड़ने से रोकने के लिए। धूल मिट्टी और पॉल्यूशन की वजह से बाल ऑयली हो जाते हैं, जिससे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है और डैंड्रफ की वजह से सिर में खुजली होने लगती है। और इस डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको चाहिए 2 पके हुए केले और 2 से 3 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल। यह कैप्सूल आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर बहुत ही कम दाम में आसानी से मिल जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बालों की रूट से लेकर बालों के टिप तक अच्छी तरह से लगा लें और 2 से 3 घंटे तक इसे अपने बालों में लगा रहने दें और उसके बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लें। वीक में 2 बार इस हेयर पैक का इस्तेमाल करने से डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर होगी। सेकेंड हेयर मास्क है ड्राई और फ्रिजी हेयर्स के लिए। आजकल की लड़कियां बालों में तेल नहीं लगाती हैं, जिसके कारण बाल ड्राई और अनमैनेजेबल हो जाते हैं। ऐसे में बालों को स्मूथ और चमकदार बनाए रखने के लिए आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 केले। इनको अच्छी तरह से मैश कर लें और 2 से 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच नींबू का रस, इन तीनों चीज़ों को एक साफ कांच के बाउल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने बालों की रूट से लेकर बालों के टिप तक पूरी तरह से लगाकर अपने बालों को शावर कैप से कवर कर लें और 2 घंटे तक इसे अपने बालों में लगा रहने दें। उसके बाद अपने बालों को अपने रेगुलर शैम्पू से धो करके साफ कर लें। इस मास्क को भी आप वीक में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हेयर मास्क है बालों में शाइन लाने के लिए। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 केला, 1 अंडा और 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल। इन तीनों चीज़ों को एक कांच के बाउल में डालकर अच्छी तरह से मैश कर लें और इसका एक पैक तैयार करके इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर बालों के रूट तक पूरी तरह से लगाकर 2 घंटे तक अपने बालों में लगा लें और 2 से 3 घंटे के बाद अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से धो करके साफ कर लें। वीक में 2 से 3 बार आप इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बाल चमकदार और शाइनी बनेंगे। नेक्स्ट और लास्ट हेयर मास्क है बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए। और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 पके हुए केले और 3 चम्मच दही। एक साफ कांच के बाउल में इन दोनों चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से मैश करके एक इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें और इसे अपने बालों की रूट में अच्छी तरह से लगा लें और पूरे बालों को शावर कैप से कवर कर लें और 1 घंटे तक इसे अपने बालों में लगा रहने दें और 1 घंटे के बाद अपने बालों को अपने रेगुलर शैम्पू से धो करके साफ कर लें। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही आपके बाल लंबे होने लगेंगे और इस सभी मास्क को आप वीक में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और गृह सुनाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं ताकि और अधिक लोग इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।